समझना चाहता हूं जो विभूति नारायण जी ने कही वो बात बहुत वाजिब है कि एनकाउंटर्स पर और ये सब, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि केस 10 साल चलता है तो उसमें 80% जो जिम्मेदारी है वो तो पुलिस ऑफिसर्स की होती है। आप केस ऐसा बनाते हैं कि 10 साल या 20 साल भी आराम से चला सकते हैं। देखिए, जो विभूति नारायण जी ने कहा है वो काफी कुछ सत्य है। मतलब मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन झूठे एनकाउंटर्स के खिलाफ हूँ मैं। लेकिन सच्चे एनकाउंटर भी होते हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे झूठे होते हैं। बहुत से अपराधी गोलियां चलाते हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस को आत्मरक्षा में, उसको अपना आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है और उसी अधिकार के क्षेत्र में अगर कोई एनकाउंटर होता है वो सही भी होता है। तो सारे एनकाउंटर्स अगर विभूति नारायण जी कहेंगे झूठे होते हैं, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे साथ एनकाउंटर हुआ, 3 गोली मुझे लगी है, जेन्युइन एनकाउंटर, 2:15 बजे चौराहे पर, दिल्ली के राजा गार्डन चौराहे पर हुआ था। और ऐसे और भी बहुत से दिल्ली में सच्चे एनकाउंटर हुए हैं जिनके बारे में हमारे पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे एनकाउंटर झूठे हैं। दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि आपने कहा कि 10-10 साल 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं, वो ठीक है। ये हमारी कानूनी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ विभूति नारायण जी से कि हमारे कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि कई सालों साल लग जाते हैं। इस दौरान गवाहों को या तो वो गवाह मर जाते हैं या गवाहों को विनओवर कर लिया जाता है किसी ने किसी तरीके से धमका कर या दबाव डालकर, या गवाह इतने साल के बाद वो कहानी भूल जाते हैं, जो बयान उन्होंने पुलिस को दिया वो भूल जाते हैं। और यही वजह है कि जितना लंबा केस होगा उसके बरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको पैरवी ठीक ढंग से नहीं करे तो मैं कहता हूँ 90% ऐसे केस 2-10 साल के बाद ट्रायल में जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे। वो ही केस सजा होंगे जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर लगातार उसकी पैरवी करेगा, गवाहों को सुरक्षित रखेगा, हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन कानून है उसका पालन करेंगे, तो वो केस सजा भी हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए कि केसेस का डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो। अब मैं देख रहा हूँ, मैं वकालत भी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ केसेस में 6-6 महीने की डेट लगती है, 8-8 महीने की डेट लगती है केसेस में, और उन केसेस में भी 4-4 महीने की डेट लगती है जिसमें आदमी कस्टडी में है। तो उसमें